हेलो फ्रेंड्स गाइस, जो प्रोविजनल एलोकेशन की लिस्ट आनी थी एडमिशन की, नर्सिंग की, फिजियोथेरेपी की, पोस्ट बीएससी की, एमएससी की और नर्स प्रैक्टिशनर की, वो इन्होंने साइट पे डाल दी है। इस साइट का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ से आप लोग अपने पीडीएफ्स डाउनलोड करके अपने कॉलेज को, अलॉटेड कॉलेज को देख सकते हो कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है फर्स्ट काउंसलिंग में। सबसे पहली वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको बीएससी नर्सिंग, पीपीटी और पैरामेडिकल का पता चल जाएगा। नीचे वाली लिंक पे क्लिक करोगे तो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का पता चलेगा। नीचे वाला है उससे फिर एमएससी नर्सिंग, उससे नीचे है मास्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, उससे नीचे है नर्स प्रैक्टिशनर क्रिटिकल केयर प्रोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको एक पीडीएफ खोल के दिखाती हूँ, जैसे कि बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल वाला, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस लिंक को कैसे खोलना है और पीडीएफ कैसे खोलना है। जैसे यहाँ बीएससी नर्सिंग, बीपीटी, पैरामेडिकल खोलोगे, यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद मैंने ये फाइल ऑलरेडी डाउनलोड कर ली है, इसीलिए मेरे में ये आ रहा है, तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लूँगी। यहाँ से ये ऐसे ओपन हो जाएगी। और ऐसे अगर आप लोगों के लिए अपना नाम सर्च करना मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे एक सर्च ऑप्शन होता है पीडीएफ में, अपना नाम सर्च कर सकते हो। लाइक अगर आपका नाम अन्नू है तो आप अन्नू सर्च कर सकते हो। अन्नू नाम की जितनी भी लड़कियाँ होंगी, जैसे कि 3 of 83, तो यहाँ से आप, जैसे ये तन्नू आ गया, इससे आगे आप तन्नू हैं, इससे आगे भी तन्नू है, तो तन्नू नाम में अन्नू आता है ना, इसीलिए ऐसे हो रहे हैं। तो आप ऐसे आगे चलते जाओगे तो अपने फादर नेम या अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स हैं, आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है। एक बार मैं शुरू में बता दूँ आपको कि सबसे पहले आपका सीईटी रोल नंबर लिखा है, जो भी आपका आपने सीईटी दिया था उसमें जो आपका रोल नंबर था वो लिखा है। उसके बाद आपकी जो परसेंटाइल आई थी वो लिखी है। उसके बाद जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम परसेंटेज है वो लिखी है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ है, कैंडिडेट का नेम है, और उसके बाद आपकी कैटेगरी लिखी हुई है। कैटेगरी के बाद आपने जो भी कोर्स आपको अलॉट हुआ है वो कोर्स लिखा है, लाइक बीएससी नर्सिंग या फिर कोई अदर पैरामेडिकल कोर्स है। उसके बाद अलॉटेड इंस्टीट्यूट मतलब कॉलेज का नेम लिखा गया है। तो ये राउंड वन की जो है लिंक है। इसके बाद अगर आपने सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसकी अलग से विंडो ओपन होगी, और जो ये अलॉट हुआ है कॉलेज, इसके बाद आपको जो है वो फिज़िकल वेरिफिकेशन करानी है डॉक्यूमेंट्स की पीजीआई रोहतक में। अगर आपने इन कॉलेज में जो भी अलॉट कॉलेज हुआ है इसमें एडमिशन लेना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे लेकर जाना। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेकर जाने हैं, इसकी एक नई वीडियो इस साल वाली मैं बना दूँगी और डाल दूँगी, तो मेरे चैनल पे अपडेटेड रहना आप लोग। और अब ये सारे लिंक्स मैं डाल रही हूँ, तो अपना खोल के देख लो कि कौन कौन सा जो है वो आपका कोर्स है और कौन कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।